ओम शांति आज चार सितम्बर सितंबर 2024 दिन बुधवार की साकार मुरली आइए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए प्रश्न बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती उत्तर। नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप भी पढ़ाते हैं यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है ओम शांति ये तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं ना कि शरीर इनको कहा जाता है देही अभिमानी मनुष्य सब हैं देह अभिमानी यह है ही पापात्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया रावण राज्य है सतयुग पास्ट हो गया है वहां सब निर्विकारी रहते थे बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो चौरासी जन्मों के बाद फिर पतित बने सब तो चौरासी जन्म नहीं लेते हैं भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने बयासी तिरासी चौरासी जन्म लिए अविनाशी खंड नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था अभी है पुरानी दुनिया पुराना भारत वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे कोई विकार नहीं थे वह देवताएं ही चौरासी जन्म ले अभी पतित बने काम का भूत क्रोध का भूत लोभ का भूत यह सब कड़े भूत हैं इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत रावण का राज्य है ना? यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन जब मनुष्य में पांच विकार प्रवेश करते हैं इन देवताओं में यह भूत नहीं थे फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई तुम जानते हो हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य द्वापर तो कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य यहाँ हर एक नर नारी में पांच विकार है द्वापर तो से कलयुग तक पांच विकार चलते हैं अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया अब गोरा मुंह होना मुश्किल है पांच मंजिल से गिरने जैसा है हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है भगवानु वाच। काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं। उसको कहा जाता है भक्ति नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था बड़ी आयु थी एवर हेल्दी वेल्दी थे तुमको स्मृति आई हम देवताएं बहुत सुखी थे वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं काल का डर रहता नहीं वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है नर्क में हैप्पीनेस होती नहीं कुछ ना कुछ शरीर का रोग लगा रहता है यह है अपार दुखों की दुनिया वह है अपार सुखों की दुनिया बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़े ही रचेंगे बाप ने तो सुख की दुनिया रची फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिली सतयुग है सुख धाम कलयुग है दुख धाम विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटारी चलाना मनुष्य कहते हैं ये तो भगवान की रचना है ना परंतु नहीं भगवान की रचना नहीं यह रावण की रचना है भगवान ने तो स्वर्ग रचा वहां काम कटारी होती नहीं ऐसे नहीं दुख सुख भगवान देता है अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे ज्वारात थे भारत कितना सोल्वेंट था अभी तो इन है सतयुग में सौ प्रतिशत कलयुग में सो प्रतिशत यह खेल बना हुआ है। अभी है अभी आयरन एज। खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल बन गए हैं। कितना दुख है यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं इनको कहा जाता है माया का पंप तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है परंतु यह है रावण का स्वर्ग कलयुग में माया का पौप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरे आदि हैं बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा पहले भारत बहुत छोटा था नई दुनिया में होते ही है नौ लाख देवताए बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं बाप बिगर कोई बतला ना सके उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर सब आत्माओं का फादर आत्माएं सब भाई भाई हैं फिर भाई और बहन बनती हैं तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन सभी आत्माएं उनकी संतान तो हैं ही उनको कहा जाता है परम पिता उनका नाम है शिव बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए हैं तो बहुत नाम रख दिए हैं भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही नीचे उतरने की नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हैं फिर सतोप्रधान बनना है सबको तुम सतोप्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे बाकी सब सतोप्रधान बन शांति धाम में रहेंगे ये अच्छी रीति याद करो बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे गंगा को पतित पावनी समझते हैं कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं गुप्त गंगा समझते हैं तीर्थ यात्रा पर व कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे इसको कहा जाता है झूठ गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है बाकी रावण राज्य में सब हैं झूठ बोलने वाले गॉड फादर ही सच खंड स्थापन करते हैं वहाँ झूठ की बात नहीं होती देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं अभी तो है आसुरी राज्य सत्युग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं देवताओं में कोई विकार होता नहीं यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब हैं पापी कामी क्रोधी नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नरक कहा जाता है नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना न सके यहाँ सब है नर्कवासी पतित सतयुग में है पावन वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है बीज रूप है भगवान वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं पहले एक धर्म एक राज्य था सुख ही सुख था मनुष्य चाहते भी हैं, विश्व में शांति हो वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो बाकी सब खत्म हो जाएंगे बाकी थोड़े रहेंगे यह चक्र फिरता रहता है अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है तुम संगम पर पढ़ते हो इसका फल सतयुग में मिलेगा यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं तुमको तो इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी दूसरा फिर वहाँ कम पद पाएंगे जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो उच्च पद भी पाएंगे कितने सेंटर्स हैं लाखों सेंटर्स हो जाएंगे सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है वह है ज्ञान का सागर सुख का सागर बाप ही आकर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते इनके द्वारा वह है पढ़ाते हैं इनको गाया जाता है भगवान का रथ भाग्यशाली रथ तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते है। तुम बहुत साहूकार बनते हो कभी भी बीमार नहीं पड़ते हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है यहाँ भल धन है परंतु बीमारियां आदि हैं वह हैप्पीनेस रह ना सके कुछ ना कुछ दुख रहता है उनका तो नाम ही है सुख धाम स्वर्ग पैराडाइज इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया ये कोई भी नहीं जानते यह भारत में रहते हैं विश्व के मालिक थे कोई पार्टीशन आदि नहीं था अभी तो कितने पार्टीशन हैं, रावण राज्य है कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहां तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था वहां आदि होते नहीं यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं क्योंकि बेअक्ल है तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित हैं पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ कंगाल बनते जाते हैं कर्जा उठाते जाते हैं सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं तुम वहां जाकर सब अनुभव करके आते हो सूक्ष्म तो स्वर्ग में भी जाते हो बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था दूसरा कोई धर्म नहीं था फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है अभी है विकारी दुनिया फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो यह स्कूल है भगवानुवाज मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ तुम भविष्य में यह बनेंगे राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं सुप्रीम फादर टीचर सतगुरु एक ही शिव बाबा है बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं यह है भारत का नंबर वन दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है? इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है तुमको बाप कहते हैं मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ रावण तुमको दुख धाम में ले जाते हैं तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है अनेक होती रहती हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती नाम ही है स्वर्ग अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित हैं, तो देवता कहलाने लायक नहीं है बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं इनके बाजू में आकर बैठते हैं तुमको पढ़ाने तो यह भी पढ़ते हैं हम सब स्टूडेंट हैं एक बाप ही टीचर है अभी बाप पढ़ाते हैं फिर आकर पांच हजार वर्ष के बाद पढ़ाएंगे यह ज्ञान यह पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी पढ़कर तुम देवता बने पच्चीसों वर्ष सुख का वर्षा लिया फिर है दुख धाम रावण का श्राप अभी भारत बहुत दुखी है यह है दुख धाम पुकारते भी है ना पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़े ही निकलती है उस पढ़ाई में भी अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वह फेल होते हैं जो पास विद ऑनर होते हैं वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं तो यह प्राइज लेते हैं माला होती है आठ की वह है विद ऑनर फिर 108 की माला भी है वह माला भी सिमरी जाती है मनुष्य इसका रहस्य थोड़े ही समझते हैं। माला में ऊपर है फूल फिर होता है डबल दाना मेरू स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं यह पवित्र थे ना स्वर्गवासी कहलाते थे यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है, फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना? विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं, वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता है ये खेल बना हुआ है यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है फिर और और धर्म वाले आते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो एक बाप ही समझा सकते हैं भगवान तो एक ही है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सर स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है वरदान माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव आप बाप दादा के वरदान को विस्तार में समझेंगे जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है खुशी गुम हुई कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है क्योंकि कमजोरी ही माया का आवाहन करती है माया की छाया स्वपन में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो स्लोगन समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेले पन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेले पन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो ओम शांति